नमस्कार दोस्तों, देखिए इंडिया पोस्ट की तरफ से जो रिजल्ट निकाला गया था जीडीएस का, उसकी जो कट ऑफ आई थी उसी को लेकर यहाँ पर एक नया अपडेट आया है। और जैसे कि मैंने यहाँ पर वेबसाइट खोल रखी है इंडिया पोस्ट GDSonline.gov.in, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर तीन अपडेट अभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनमें से जो दो अपडेट है नीचे वाले वो पहले ही आ चुके हैं वेबसाइट के ऊपर, पोर्टल के ऊपर, और जो ऊपर वाला अपडेट है ये आज ही यहाँ पर डाला गया है। ठीक है दोस्तों, इस अपडेट में बताया गया है कि जिन स्टूडेंट्स ने जो कि बिहार, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल सर्कल से हैं, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाए हैं 5 जुलाई तक नहीं करवाए हैं, तो उनके पास अभी 20 जुलाई तक का टाइम है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लें, अन्यथा उनका जो वेरिफिकेशन है, उनका जो जो लिस्ट में नाम आया है वो हटा दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और आप देख लीजिए यहाँ पर, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में आओगे, और अगर मैं देखता हूँ केरला का, तो यहाँ पर देखिए अभी भी, एक सेकंड रुको, यहाँ पर देखिए अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम अभी अभी देखिए अंडर व्यू लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि अभी तक जो GDS वाले हैं इन्होंने जो जो PDF आई थी, कट ऑफ की PDF आई थी, उसको अभी अपडेट नहीं किया है। ठीक है, हो सकता है जब ये सारे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए, जैसे कि यहाँ पर 20 तारीख लास्ट डेट है, तो हो सकता है 20 तारीख के बाद या 30 तारीख देखिए, या हो सकता है अगस्त में दोस्तों, सॉरी हाँ 20 तारीख लास्ट डेट। ठीक है, देखिए 20 तारीख के बाद हो सकता है एक नई लिस्ट यहाँ पर निकाली जाए जिसमें बिल्कुल सही परसेंटेज लिखे हों, जब उनका वेरिफिकेशन होगा उसके बाद जो सही परसेंटेज होगी वो परसेंटेज देख के यहाँ पर एक नई लिस्ट निकाली जाएगी, बिल्कुल सही लिस्ट निकाली जाएगी। और अगर मैं हरियाणा की बात करूँ, देख लेते हैं एक सेकेंड हरियाणा में क्या हिसाब किताब चल रहा है अभी, हरियाणा पर क्लिक करते हैं और कंट्रोल F दबाते हैं, इसके बाद अगर हम 100 लिखते हैं तो देखिए अभी भी यहाँ पर 684 स्टूडेंट्स के 100 नंबर हैं। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों यह है कि हरियाणा की लिस्ट को भी अभी अपडेट नहीं किया गया है। हरियाणा वालों का आप देख पा रहे हैं कि लिस्ट में नाम है यहाँ पर अपडेट में, हरियाणा वालों का जो लास्ट डेट है वो है 17 तारीख, तो 17 तारीख के बाद हो सकता है एक नई लिस्ट निकाली जाए जिसमें बिल्कुल सही परसेंटेज यहाँ पर दिखाई देंगे आपको, क्योंकि इस लिस्ट में फिलहाल 684 स्टूडेंट्स के 100 नंबर हैं, जो कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसकी एक नई लिस्ट आएगी और उसी के बाद हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में कितनी परसेंटेज यहाँ पर निकाली गई थी, कितनी कट ऑफ आई थी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा पोर्टल पर कोई भी और अपडेट नहीं है, और जैसे ही दोस्तों कोई नई अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। आप क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कुछ कहना है GDS के बारे में तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।